यह है हमारा सौर मंडल, जहाँ मध्य में हमारा तारा यानी कि सूर्य मौजूद है, जिसके चारों ओर 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, कई बौने ग्रह और साथ ही कई धूल व मिट्टी के कारण लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इन 8 ग्रहों में से हमारी धरती भी मौजूद है, जहाँ पर हम इंसान रहते हैं। हमारे सूर्य की वजह से ही हमारी धरती पर जीवन की संभावना पनपी है। सूर्य का प्रकाश जब हमारी धरती पर पड़ता है तो धरती पर दिन व रात की संभावनाएं बनती हैं। हम में से मैक्सिमम लोग यह जानते हैं कि हमारी धरती पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि हमारी धरती पर ऐसी भी कोई जगह है जहां पर 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन भी होता है। दोस्तों ये सुनकर हो गए ना हैरान, लेकिन अब आपके मन में ये सोच आ रही होगी कि हमने तो 24 घंटे में एक रात और एक दिन को ही देखा है, तो आखिर 6 महीने रात और 6 महीने दिन कैसे पॉसिबल हो सकता है और वो कौन सी जगह है जहाँ पर ऐसा संभव है। तो दोस्तों इसी के ही बारे में हम आज की इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हम सभी जानते ही हैं कि हमारी धरती सूर्य का चक्कर लगाती है और साथ ही वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है। जब हमारी धरती सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो हमारी धरती पर 365 दिन यानी कि एक साल गुजर चुका होता है। जब हमारी धरती अपने एक्सिस पर घूमकर एक चक्कर पूरा करती है तो हमारी धरती पर तकरीबन 24 घंटे बीत चुके होते हैं, और साथ ही धरती पर अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से ही हमारी धरती पर दिन और रात बनते हैं। धरती का जो हिस्सा सूर्य के प्रकाश के आगे आ जाता है वहाँ पर दिन होता है, और साथ ही धरती का जो हिस्सा अंधेरे की तरफ चला जाता है वहाँ पर रात हो जाती है। इससे हमारी धरती पर दिन और रात की अवधि 24 घंटे में ही हो जाती है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि हमारी धरती पर कुछ जगह पर दिन और रात 6 महीने तक रहती है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हमारी धरती के दो पोल हैं, एक तो नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, और यदि आप ये सोचते आ रहे हो कि हमारी धरती बिल्कुल सीधी घूमती है तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हमारी धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी धरती के कुछ हिस्सों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। दरअसल धरती के अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुके होने की वजह से हर साल की 21 जून को धरती का नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका होता है। फिर चाहे धरती अपने एक्सिस पर कितना भी घूम ले तब भी धरती के नॉर्थ पोल पर सूर्य की रोशनी लगातार बनी रहती है। हालांकि धरती सूर्य का आधा चक्कर पूरा करने में पूरे 6 महीने लगाती है, तो ऐसे में धरती का नॉर्थ पोल भी पूरे 6 महीने तक सूर्य की ओर झुका रहता है, और यही एक कारण है कि हमारी धरती के नॉर्थ पोल पर पूरे 6 महीने तक दिन रहता है। और इसके अपोजिट धरती का साउथ पोल 21 जून के बाद अंधेरी की तरफ चला जाता है, जहां पर सूरज की रोशनी 6 महीनों तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से 21 जून के बाद हमारी धरती के साउथ पोल पर अंधेरी रात होती है। हमारा जो नॉर्थ पोल है वो पूरे तरीके से आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है, और इसका अपना एक सर्कल भी है जिसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। और नॉर्थ पोल के आसपास जो कंट्रीज मौजूद हैं उनके कुछ हिस्से आर्कटिक सर्कल में आ जाते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का अलास्का, रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे मौजूद है, और इसी वजह से आप इन जगहों पर काफी हफ्तों तक दिन व रात के शानदार नजारों का लुत्फ उठा पाएंगे। और इसका असर हमें भारत में भी देखने को मिलता है। इस समय में गर्मियों में हमारे भारत में दिन बड़े हो जाते हैं, इसी के साथ ही रातें छोटी हो जाती है। तो दोस्तों अब हमारी धरती ने अपना 6 महीने का सफर पूरा कर लिया है, यानी कि अब हमारी धरती सूर्य का आधा चक्कर पूरा कर चुकी है। इस में हमारी धरती पर साल के 21 दिसंबर की तारीख चल रही है, और साथ ही हमारे भारत में इस समय भयानक सर्दी भी चल रही है। दोस्तों धरती अपने 6 महीने के सफर में सूर्य का चक्कर लगाते हुए 21 दिसंबर को ऐसी कंडीशन में पहुंच चुकी है कि धरती का नॉर्थ पोल अब अंधेरे की ओर झुक चुका है, और वहीं धरती का साउथ पोल सूर्य की रोशनी की तरफ आ चुका है, जिसकी वजह से 21 दिसंबर के बाद धरती के नॉर्थ पोल पर आगे आने वाले 6 महीनों में अंधेरी रात लगातार बनी रहेगी। इसी के अपोजिट धरती के साउथ पोल पर आगे आने वाले 6 महीनों तक लगातार दिन बना रहेगा। यदि हम साउथ पोल की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा साउथ पोल साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है, और साथ ही धरती के साउथ पोल पर अंटार्कटिका उपमहाद्वीप भी मौजूद है, जो कि 1.5 किलोमीटर बर्फ की मोटी चादर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका उपमहाद्वीप के हमारी धरती के साउथ पोल पर होने की वजह से यहाँ पर 6
छह महीने तक दिन और छह महीने तक रात मौजूद रहती है। और इसी समय में हमारे भारत में 21 दिसंबर के बाद अगले छह महीनों तक बड़ी रातें और छोटे दिन हो जाते हैं। हालांकि जो कंट्रीज धरती के बीच की तरफ मौजूद रहती हैं, वहां पर दिन और रात 24 घंटे के अंदर ही सामान्य तरीके से चलता रहता है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी इजी तरीके से यह समझ में आ गया होगा कि हमारी धरती के कुछ हिस्सों पर छह महीने रात और छह महीने दिन कैसे पॉसिबल हो पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।